सैनिकों से बिछुड़कर आगे निकल गए हैं और वे अब दस्युओं के समीप पहुंच गए हैं। और ये वो दस्यु हैं जो किसी के भी प्रतिष्ठा का विचार ना करते हुए उन्हें लूटकर भाग सकते हैं। अर्थात राजा संजय के प्राण संकट में हैं। हाँ, सनाती शीतल पवन के रूप में इस धरती का तथा प्राणी के मन में मानवीय पक्ष सद्भावना व सदचरित्र के रूप में मैं धर्म का श्रृंगार हूं। मैं ओंकार हूं। महर्षि दधीचि के आश्रम में नारद तपस्या करते हुए दधीचि व उनकी पत्नी को तपस्यारत देखकर सोचते हैं कि काश वे भी सपत्नी इसी प्रकार तपस्या करते। भगवान शिव दधीचि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान देते हैं। मांगने पर वे नारद को भी निष्ठावान पत्नी की प्राप्ति का वरदान देते हैं, किंतु नारद दुखी हो जाते हैं। पार्वती भी शिव से पूछती है कि बाल ब्रह्मचारी को पत्नी प्राप्ति का वरदान देने का क्या प्रयोजन है। उधर पृथ्वी पर त्वष्टा ऋषि सैनिकों से बिछुड़कर आगे निकल गए हैं और वे अब दस्युओं के समीप पहुंच गए हैं। और ये वो दस्यु हैं जो किसी के भी प्रतिष्ठा का विचार ना करते हुए उन्हें लूटकर भाग सकते हैं। अर्थात राजा संजय के प्राण संकट में हैं। हाँ, हमें तुरंत उन्हें सावधान करना होगा। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। सावधान, ऐसा लगता है कि यह घुड़सवार इसी ओर आ रहा है। अलीदत्त, ऊपर जा और समीप आते ही उसकी एक ही वार में गर्दन उड़ा डालो। ऐसा ही होगा सरदार। सावधान राजन, सावधान, अब आगे न जाए। आगे अत्यंत हिंसक और भयंकर दस्युओं का वास है। युद्ध और संघर्ष दोनों का समय ही नहीं देते, तुरंत वार करके समाप्त कर देते हैं। कृपया आप आगे न जाएं। हमारे राज्य में प्रजा को लूटने और मारने वाले दस्यु रहते हैं, ये हमारे लिए लज्जा और खेद का विषय है। कलंक है हमारे नाम काम और हमारी व्यवस्था पर, और तुम हमें उस ओर बढ़ने से रोक रहे हो जिधर दस्यु हैं। यदि मैं उस ओर नहीं गया तो क्या उनकी संख्या बढ़ नहीं जाएगी? और यदि दस्युओं की संख्या बढ़ गई तो क्या प्रजा को संकट नहीं होगा? यदि मैं राजा होकर दस्युओं की संख्या बढ़ने देता हूं तो क्या यह प्रजा के साथ विश्वासघात नहीं होगा? मुनिवर, जिधर दस्यु हैं, आप मुझे उस दिशा में जाने से रोककर एक दुष्कार्य नहीं कर रहे हैं? मेरा और मेरी प्रजा का अहित नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। कर्तव्य और दायित्व से पूर्ण आपके वचन सुनकर मैं सुखद आश्चर्य से अभिभूत हुआ। अपनी प्रजा के लिए इतना विचार करने वाला कौन राजा है जितना आप कर रहे हैं? अपनी प्रजा के लिए
अपने प्राणों की चिंता किए बिना अराजकता के दोष को मिटा देने वाली आपकी भावना अभिनंदनीय है, किंतु राजन आप अकेले हैं और वे संख्या में बहुत अधिक। इस शक्ति परीक्षण में संतुलन नहीं है। मुनि वेशधारी महाराज, हम एक राजा हैं और एक राजा को भयभीत करके आप उसे उसके कर्तव्य और दायित्व से परे हटाना चाहते हैं। प्रजा के प्राणों पर खड़े इस संकट को क्या हम खड़ा रहने दें? हथियारों की उपस्थिति को क्या हम राज्य के माथे पर एक कलंक बनकर लगा रहने दें? स्वयं राजमहलों में सभी सुख सुविधाओं को भोगें और प्रजा को दुष्टों की दया दृष्टि पर छोड़ दें? नहीं महाराज, यदि कल हमारी प्रजा ने नीति और न्याय के धरातल पर खड़े होकर हमसे ये प्रश्न किया कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, तो हम क्या उत्तर देंगे? प्रजा को यदि भरमा भी लिया तो मृत्यु के पश्चात भगवान को क्या उत्तर देंगे? निष्ठा और कर्तव्य से मुख मोड़कर मृत्यु के पश्चात इस पार और उस पार नरक के द्वार हमारे लिए खुले ही हैं। हम उन दस्युओं को दंड अवश्य देंगे। राजन, आपकी प्रजावत्सलता, कर्तव्य निष्ठता अभिनंदनीय है, मैं प्रभावित हुआ। किंतु राजन, प्रश्न यह है कि इतने सीमित साधन के साथ आप अपने साध्य में सफल हो सकेंगे? क्या आप अकेले उन प्राण घातकों को दंड दे सकेंगे? कदापि नहीं, निसंदेह वे दंडनीय है ही। एक राजा होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप उन्हें समाप्त करें, किंतु उनसे बड़ी शक्ति अपने साथ लेकर यदि आप अकेले वहां गए तो ना आपका उद्देश्य पूर्ण होगा, ना ही आपके प्राणों की रक्षा हो सकेगी। राजन, आपका जीवन अमूल्य है, उस पर प्रजा का अधिकार है, इसलिए प्रजा के हित में आपकी रक्षा अनिवार्य है। राजन, आप राजधानी लौटकर पर्याप्त संख्या में सैन्य बल लेकर आए, तब आप भी सुरक्षित रहेंगे और वे भी दंडित हो सकेंगे। मुनिवर, आपका परामर्श बुद्धिमता से पूर्ण है, हम ऐसा ही करेंगे। प्राण रक्षा और उचित परामर्श के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपका कल्याण करें। सरदार, घोड़े की टापों की दूरों से ऐसा लग रहा है कि घुड़सवार लौट गया, अब वो दोबारा नहीं आएगा। लौट गए राजा? वो तो लौट गए, किंतु हमें भी लौट जाना चाहिए। क्यों, तुम्हें भी भय लगता है दस्युओं से? नारायण नारायण, दस्युओं से किसे भय नहीं लगता। चलो। सुंदर, अति सुंदर, ऐसा मनोहारी शक्ति स्वरूप देखकर हार्दिक आनंद आ गया। सिंह वाहिनी माता शक्ति की जय, असुर मर्दिनी माता शक्ति की जय। देवेंद्र, जब हम माता की जय कहते हैं तो माता के और भी प्रिय हो जाते हैं। वो कैसे ऋषिवर? देवराज, ज का अर्थ है जगत एवं य का अर्थ है यश, अर्थात संपूर्ण जगत में माता का यश व्याप्त हो, अर्थात माता का गुणगान करने वाला भी माता की ही भांति निर्भय, शक्तिशाली, दयालु एवं कृपालु हो। जब माता के गुण हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे तो क्या हम माता के और भी प्रिय नहीं बनेंगे? तब क्या माता अपने प्रिय भक्त जनों के प्रति और भी दयालु और कृपालु नहीं बनेगी? अवश्य होगी ऋषिवर, अवश्य ही होगी। माता तो सदा अपने पुत्रों का हित ही चाहती है। यही सत्य है देवराज, माता शक्ति संपूर्ण सृष्टि का मूल एवं आदि कारण है। इसकी शरण में आकर, इसके चरणों में बैठकर आराधना करने से जीवन सफल ही नहीं धन्य हो जाता है। माता से जो मांगो वो मिल जाता है, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां शक्ति की प्रेरणा से ही सारा जगत चैतन्य है। ऐसी अनंत, अनादि, परम, परा
एवं संपूर्ण शक्ति का आवाहन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देव नारायण नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। स्वरूपा तुम कल्याणी हे जगदम्बे मात भवानी। जय जय हो जय मा दुर्गे जय जय हो जय जय हो जय मा दुर्गे जय जय हो। चल अविनाशी दात्री तुम जग जननी दुख में आनंद राशी युगों से हर एक पल है तुम्हारे युगों से हर एक पल है तुम्हारे दर्शन का विलासी। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। सरस्वती ज्ञान का दीप जलाया लक्ष्मी की छवि धारण करके लक्ष्मी की छवि धारण करके धन वैभव बरसाया। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। त्रिभुवन वास तुम्हारा रौद्र रूप में सदैव तुमने दुष्टों को संहारा करुणा लुटा के देव मुनि जन करुणा लुटा के देव मुनि जन सबका कष्ट निवारा। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो स्वरूपा तुम कल्याणी
हे जगदम्बे मात भवानी। जय हो जय मा दुर्गे जय जय हो। स्वर्ग लोक को माता शक्ति की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आप दोनों प्रतिज्ञा करें कि नियमित रूप से माता शक्ति की आराधना करेंगे। अवश्य ऋषिवर। हाँ ऋषिवर, हम नित्य माता शक्ति की आराधना करेंगे। देवी शची, इस सत्य को भी मन में धारण कर लें कि माता शक्ति की आराधना से महादेव की कृपा स्वयं भी प्राप्त हो जाती है। कारण शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक है। शक्ति के बिना शिव अपूर्ण है और शिव के बिना शक्ति। पति परमेश्वराय नमो नमः। पूर्वक क्यों देख रहे हैं स्वामी? त्वष्टा ऋषि ने स्वर्गलोक में तुम्हारे शक्ति स्वरूप की धूम मचा दी है। जिन देवताओं ने केवल स्वार्थवश तुम्हारा स्मरण किया था, वे ही अब स्वर्गलोक में शक्ति स्थल की स्थापना कर तुम्हारी आराधना कर रहे हैं। अब तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे ये सत्य तुम्हें ज्ञात ही ना हो? क्या तुम नहीं जानती कि स्वर्गलोक में तुम्हारी आराधना आरंभ हो गई है? मैं जो भी जानती हूँ वो मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। देवी, नारद को वरदान देने के पश्चात तुम तो उन्हें सर्वथा भूल ही गई। हाँ स्वामी, आपने नारद को धन पत्नी की प्राप्ति का वरदान दिया था, क्या वो ग्रस्त बन गए? अब तक तो नहीं बने, किंतु बनने की स्थिति के समीप अवश्य पहुंच गए हैं। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र पर्वत, क्या सोच रहे हो? वही जो तुम सोच रहे हो। ये कैसे जान लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अपने दिव्य ज्ञान से। क्या कहता है तुम्हारा दिव्य ज्ञान? यही कि तुम जानना चाहते हो कि वो सुंदरी कौन है। मैं भी यही जानना चाहता हूँ। मैं भी अपने दिव्य ज्ञान से इतना तो अवश्य जान गया हूँ कि ये सुंदरी वही राजा संजय की पुत्री है जिसे हमने वन में दस्युओं से सावधान किया था। तब तो अवश्य ही हमें राजा संजय का आतिथ्य ग्रहण करना चाहिए। राजा हमें देखते ही हर्षित होकर हमारा स्वागत करेंगे। किंतु मित्र, मेरा मन ये कहता है कि हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, चलो हम आगे बढ़े। नहीं मित्र नहीं, ऐसा सुअवसर बार बार नहीं आता, चलो मित्र चलो। कथाओं का भंडार है, कहाँ से आती इतनी सारी गुड़ कथाएं? नाना, मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे पास कहाँ से आई इतनी गुड़ कथाएं। यदि मैं बता दूंगी तो तुम सब ले आओगी, फिर मैं क्या सुनाऊंगी? चलो जैसी भी कथा हो सुना दो। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा,
सुनो, एक भयंकर राक्षस जंगल से जा रहा था, दूसरा भयंकर राक्षस जंगल में आ रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब दोनों आमने सामने आ गए तो एक राक्षस ने दूसरे राक्षस से कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख, यदि राक्षस राक्षस को खा सकता तो मैं अब तक तुझे खा नहीं जाता। चल उनको खाते हैं जो राक्षस नहीं है। बस उसी दिन से जो राक्षस नहीं थे उनकी संख्या घटने लगी और राक्षसों की संख्या बढ़ने लगी। सावधान, सिंह कुलभूषण, वत्सलापुरी नरेश, महाराज संजय सेन पधार रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। विराजिए। प्रणाम मुनिजन। उस दिन दस्युओं से आपने हमें सावधान किया था, किंतु शीघ्रता में आपका परिचय प्राप्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। अहोभाग्य हमारे कि आज आप स्वयं यहां पधारे हैं, तो कृपया अब अपना परिचय हमें दें। नारायण नारायण, मैं नारायण भक्त नारद हूं और ये मेरे बाल सखा सहपाठी परम मित्र पर्वत मुनि हैं। हे राजन, सत्य तो ये है कि हम मुनियों का महल में आने का ना प्रयोजन है ना आवश्यकता, परंतु जब हमें इधर से जाते हुए ये ज्ञात हुआ कि ये आपका प्रसाद है तो विचार हुआ आपके दर्शन ही करते चले। आप दोनों का राजसभा में सहर्ष स्वागत है। राजन, उन दस्युओं को क्या दंड दिया आपने? वो हमारे पड़ोसी राज्य से आए हुए दस्यु थे, हमारे सैनिकों को देखते ही पलायन कर गए। आओ पुत्री दमयंती, आओ। देखो हमारे यहाँ मुनिवर पधारे हैं। ये हैं नारायण भक्त नारद जी। इन्होंने उस दिन दस्युओं से हमारी रक्षा कर उचित परामर्श दिया था, और साथ में ये हैं इनके बाल सखा मुनि पर्वत। मुनि जन को दमयंती का प्रणाम। कल्याण हो। भविष्य उज्जवल भव। मुनिवर, मेरा अतीत भी उज्जवल था, मेरा वर्तमान भी उज्जवल है, तो मेरा भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। कुछ नई बात कहे मुनिवर। क्या कहा राजकुमारी? यही कि आप मुनि हैं तो हम भी गुनी हैं। क्या आपने वो कथा सुनी है? कौन सी कथा? वही जब एक मुनि ने दूसरे मुनि से प्रश्न किया कि गणना कहां से आरंभ होती है। दूसरे मुनि ने कहा कि एक से। इस पे पहले मुनि ने फिर प्रश्न किया, गणना समाप्त कहाँ होती है, अंतिम अंक क्या है। दूसरे मुनि उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने प्रश्न करने वाले मुनि से कहा, तुम ही बताओ गणना का अंतिम अंक क्या है। इस पर प्रश्न करने वाले मुनि बोले, यदि मैं जानता तो तुमसे प्रश्न ही क्यों करता। हमारी पुत्री विनोद प्रिय है, सदा हंसती हंसाती रहती है। पिताजी, ये दोनों मुनि हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। इनकी सुख सुविधा का
हमें समुचित प्रबंध करना होगा। अवश्य अवश्य, इनके आतिथ्य का दायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं पुत्री दमयंती। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैं अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाऊंगी। पधारे मुनिवर, मैं आपको अतिथि कक्ष दिखा दूं। पधारे। ये दोनों महापुरुष हमारे विशेष अतिथि हैं। इनकी सुख सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखना। यदि तनिक भी त्रुटि हुई तो महाराज कठोर दंड देंगे। आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन होगा राजकुमारी जी। जाओ, आइए मुनिवर। मुनिवर नारद जी, यह आपका कक्ष है, आप यहाँ विश्राम करें और जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो आप सेवक को आदेश करें, वो आपकी आज्ञा का तुरंत पालन करेगा। मुनिवर, हाँ। आपके विश्राम के लिए अन्य कक्ष की व्यवस्था है, आप आए मेरे साथ। राजकुमारी, राजकुमारी, आप व्यर्थ ही कष्ट एवं चेष्टा कर रही हैं। हम तो वैरागी हैं, नारायण भक्त हैं। हमारा एक ही स्थान पर रहना और वास करना कहाँ संभव होता है, और एक वैरागी के लिए यह अनुचित भी है। फिर राजभवन में रहना और सुख सुविधाओं का उपभोग करना एक वैरागी के लिए सर्वथा निषिद्ध भी है। राजकुमारी, कृपया आप हमें जाने दें, यही उचित होगा। मित्र नारद, क्या कष्ट है तुम्हें? मुनिवर नारद जी, आप एक वैरागी गृहस्थ नहीं, आपके कुछ नियम वजनाएं और रीति नीति हैं। ये सब राजभवन में प्रवेश करने से पूर्व आप सोच लेते अथवा कह देते तो मैं आपको सहर्ष जाने देती, किंतु अब तो आप हमारे अतिथि बन ही चुके हैं। अब आप यहाँ से जा नहीं सकेंगे मुनिवर। आपकी नारायण भक्ति और आपका वैराग्य कोई छीनेगा नहीं। आप अपने वैराग्य पे दृढ़ रहकर इस राजभवन में भी नारायण भक्ति कर सकते हैं मुनिवर। इस विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या यह संभव होगा राजकुमारी? आप इस विराट सत्य को क्यों भूलते हैं मुनिवर? निष्ठावान भक्त की परीक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होती है। फिर भी मैं तो यहाँ से चले जाने का ही विचार कर रहा हूँ। आप बार बार जाने का दुराग्रह करके आप मेरे हृदय पर आघात कर रहे हैं मुनिवर। कृपा कीजिए और फिर विश्राम कीजिए। नारायण नारायण। मुनिवर, ये आपका शयन कक्ष है, आप यहाँ विश्राम करें। मुनिवर, आज से पूर्व क्या आपने कभी कोई कन्या, स्त्री अथवा महिला नहीं देखी? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैं अभी 20-25 कन्याएं बुला देती हूँ, आप पूर्ण रात्रि उन्हें देखते रहे। आज्ञा करे राजकुमारी। वसुधा, रंगशाला में से जाकर अमला, विमला, रमला, गुरवंती, अरुंधति, जोशना, सुनंदा, सुप्रिया, लक्ष्मी, इन सभी को तुम तुरंत बुला लाओ। नहीं राजकुमारी जी, नहीं। हाँ पर्वत मुनि, हाँ। सुनंदा, भावना, अलका, राधा, उषा, लता, कामना, इन सभी को तुरंत ले आओ। राजकुमारी जी, आप क्या कर रही हैं? ऐसा ना करें। नहीं करूं, ठीक है, नहीं करती। अब आप विश्राम करें और मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। राजकुमारी दमयंती, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इस सुसज्जित और सुख सुविधा पूर्ण कक्ष में विश्राम करने के विषय में।
किंतु हमारा भाग्य ही हमें तुम्हारे पास तक खींच लाया है। अब देखना ये है कि ये भाग्य और इस भाग्य को लिखने वाले विधाता आगे क्या क्या चमत्कार दिखाते हैं। ऐंकारी सृष्टि रूपायै ऋंकारी प्रतिपालिके क्लींकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। हे महाशक्ति, हे परम शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे आदि शक्ति, हे पराशक्ति, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो। हमें प्रसन्नता है कि आप हमारे शक्ति आराधना के आदेश का पालन निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है ऋषिवर। मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता था। कहे देवराज। ऋषिवर, जब आप हमारे निमंत्रण पर स्वर्ग आए हैं तो हमारे ऊपर एक कृपा और करें। आप अनेक चमत्कारी सिद्धियों के स्वामी हैं। माता शक्ति आप पर प्रसन्न है। कृपा कर कुछ ऐसा करें कि हमारा ये स्वर्ग असुर शक्तियों से सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। देवराज इंद्र, सृष्टि की रचना के अनुसार सुरों और असुरों का बैर जन्मजात होता है। असुर स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास सदा करते रहे हैं और करते रहेंगे। जगत की कोई भी शक्ति उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ऋषिवर, आपने जो कुछ भी कहा है मैं उस सत्य को स्वीकार कर लेता हूं। इसके उपरांत भी आप अपनी चमत्कारी सिद्धियों की शक्ति से एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण कर स्वर्ग की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं। देवराज इंद्र, जो कुछ आप मुझसे कह रहे हैं वो सब आपको मुझसे कहने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने तो नहीं कहा है? लगता है ये उन्हीं का आयोजित कार्यक्रम है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, हम इस विषय पर देवगुरु बृहस्पति से चर्चा करके फिर आपसे चर्चा करेंगे। मुनिवर, भोजन के समय कहाँ चले गए आप? मुनिवर कहाँ हैं आप? मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। मुनिवर, मुनिवर, आइए राजकुमारी जी आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मुनिवर, कृपा करके बताइए आपके मित्र मुनिवर नारद जी कहाँ चले गए हैं? नारद मुझे और इस सुंदर विशाल महल को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं भला? वे अवश्य ही आंख मिचौली खेल रहे होंगे, क्योंकि वे विरोधी स्वभाव के हैं। यही कहीं छुपे होंगे, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं उन्हें। नारद, मित्र नारद, नारद कहाँ हो सका? नारद, नारद, नारद कहाँ हो? मित्र नारद कहाँ छिप गए हो? मित्र सामने आ जाओ। मित्र नारद प्रकट हो जाओ, तुम्हारे बिना मुझे भय लगता है। मित्र नारद, नारद सखा नारद कहाँ हो तुम? नारद, नारद, नारद ने मेरे साथ ही नहीं आपके साथ भी वचन भंग किया है। वो अवश्य ही मुझे छोड़कर यहां से चला गया है। तुम मुझे बताए बिना कहां चले गए नारद? देवर्षि नारद को राजमहल की सुख सुविधाएं सम्मोहित नहीं कर सकी और वे अकस्मात अदृश्य हो गए। और ये सत्य भी है कि भौतिक सुख सुविधाएं वैरागी व योगियों के लिए सर्वथा निषिद्ध है। वे कठोर तप व सन्मार्ग पर चलकर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। ये भी सत्य है
कि भक्ति मार्ग पर चलने वालों को शिव शंकर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।